शुक्रिया साथियों, आप लोग इस सभा के मंच पर आए हैं और जो मौजू है हमारा आज का जो विषय है जिस पर चर्चा होने वाली है वो ये है कि बिहार के चुनाव में जन मानस के जो मुद्दे हैं वो कहाँ चले गए, वेयर आर द पीपल्स इश्यूज इन बिहार इलेक्शंस। और मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बॉबी रमाकांत जी का, संदीप पांडे जी का और अंकित गोयल जी का, जिन्होंने इसको पूरे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और हम लोगों को आमंत्रित किया है इस विषय पे बोलने को। तो हमारे साथ जो वक्ता हैं वो तीन वक्ता हमारे साथ हैं, शायद एक वक्ता साहब शायद बाद में जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले दोनों जो हमारे आज के वक्ता हैं उनका परिचय करा देता हूँ। नमस्कार तो हमारे साथ हैं आशीष रंजन जी और कामायनी स्वामी जी, और ये दोनों अररिया जिले में जनहित के मुद्दे पे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जन जागरण शक्ति संगठन के नाम से इनका एक संगठन है जहाँ पे ये वर्ग, जाति और लिंग के कई सारे मुद्दे पे काम करते हैं और मजदूरों को और जो समाज के दबी कुचली जातियां हैं उनके साथ और लिंग के कभी कई मुद्दे पे ये लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो चूंकि ये बिहार का अररिया जिले में काफी जमीनी हकीकत से काफी वाकिफ हैं तो काफी अच्छा होगा अगर हम लोग इनके अनुभवों से कुछ सीख पाए और सुन पाए। और बाद में एक और वक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ जो कि बीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम गौतम कुमार प्रीतम है और ये कई बार इस मंच पर आकर के अपनी बात को रख चुके हैं। तो एक बार फिर हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके सामने किन सारे मुद्दों का उनको सामना करना पड़ रहा है, कौन सारे मुद्दे जो हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में जरूरी माने जा रहे हैं जनमानस के बीच। तो मैं जो मंच है वो आशीष रंजन जी और कामायनी स्वामी जी दोनों को अब देना चाहूँगा और उनसे हम 10-15 मिनट वो कुछ बोलेंगे और उसके बाद हम लोग फिर गौतम कुमार प्रीतम जी के पास जाएंगे। तो स्वागत करते हैं आशीष रंजन जी का और कामायनी स्वामी जी। धन्यवाद अमित और बॉबी, संदीप पांडे भाई और तमाम साथी, गौतम प्रीतम भाई, डॉक्टर वीएन शर्मा नाम से दिख रहे हैं एक जो जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। हम लोग यहाँ अररिया में बैठे हुए हैं और सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। मीडिया में कई तरह की खबरें हैं ही, इससे लोगों को अंदाजा पड़ गया होगा कि बिहार विधानसभा का ये जो चुनाव है वो थोड़ा टक्कर का हो गया। पहले अपेक्षित था कि एनडीए ज्यादा सीट जीत लेगी, एक तरह से स्वीप हो जाएगा, 2019 के चुनाव परिणाम को देखते हुए लग रहा था। और बिहार की राजनीति उसका बेस कास्ट है, शायद उत्तर भारत में कास्ट को बेस लेकर ही हम कोई राजनीतिक आकलन करते हैं, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं नजर आ रही थी, इसलिए लग रहा था कि ये चुनाव जो है वो एनडीए के पक्ष में जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन और उससे पहले भी, अगर हम उससे पहले की बात शुरू करें तो पूरी अर्थव्यवस्था का जो पूरा बुरा हाल है और उसके चलते जो आजीविका से लेकर जीवन के हर एक पहलू पे जो एक तरह से हमला हुआ है, खासकर आर्थिक मसलों को लेकर, उससे एक बहुत बड़ी परेशानी उभरी थी। और लॉकडाउन में वो एक चरम सीमा पर पहुंच गई जब बिहार, जो कि पलायन करने वाले मजदूरों के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक यहाँ के लोग जाते हैं, उसी तरह गुजरात से लेकर आसाम तक जाते हैं, वहां के मजदूरों की जो हालत हुई थी लॉकडाउन में, एक लड़की का नाम आप सुने ही होंगे, ज्योति कुमारी, जो गुड़गांव में रहती थी, अपने पिता को ही साइकिल पर ढोकर वो 1200 किलोमीटर लगभग दरभंगा तक पहुंच गई। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे अररिया जिला का ही एक लड़का था, वो बनारस से अपने पिताजी को ठेला पर खींच के ले आया। तो ये जो पूरा दृश्य उभर कर आया, मुझे लगता है कि वो एक था जो कि बहुत उभर नहीं पा रहा था। ऑपोजिशन पार्टीज भी खामोश थी, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई हलचल नहीं हो रही थी, कुछ तो स्थिति ऐसी थी और कुछ उनकी निष्क्रियता मैं कहूंगा। इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि भाई
इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी हुई है मजदूरों के साथ, और बिहार मजदूरों का प्रदेश है, और कोई हलचल नहीं नजर आ रहा था, ये थोड़ा चकित कर देने वाली चीज थी हम लोगों के लिए भी। लेकिन अब जब चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है तो मुझे लगता है कि उसका असर हुआ है, और एक मुद्दा तो उठा है जिन्हें विपक्ष ने भी उठाया है, और वो है रोजगार का मुद्दा। युवाओं का रोजगार हो या गांव में रोजगार हो या शहर में रोजगार हो, वो एक मुद्दा अचानक से उठ आया है। और मुझे लगता है उसका कारण यही है कि ये जो लगातार आर्थिक हमले हुए हैं देश पे, उससे अब जनता थोड़ी आजिज नजर आती है। फिर भी जो इनका हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है उसको लेकर ये चल पड़े थे, और अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, अंधराष्ट्र भक्ति के रास्ते पर जो ये जनता को भरमा रहे थे, उसकी भी सीमा है, और वो देखने को मिल गया है बिहार चुनाव में। क्योंकि नड्डा जी अपने भाषण में कहते हैं कि 300 आतंकवादी देश में घुसने वाले हैं बिहार चुनाव के प्रचार में, तो इनकी एक तरह से इंटेंशन वही थी कि इसको नेशनलिज्म, ब्लाइंड नेशनलिज्म या मंदिर इन्होंने बनाया है अयोध्या में, इन सब बातों को लेकर ये चुनाव जीत जाएंगे। आज अखबार में मैंने पढ़ा है कि मोदी ने अयोध्या का मसला उठाया है बिहार में, इससे पहले नहीं उठाए थे। इनको लग रहा था कि ये सब बातें करके जीत जाएंगे, लेकिन एक एक सुखद बात भी हुई है कि लंबे अरसे के बाद जो बिहार का चुनावी मुद्दा है वो धर्म और इस तरह के डिविसिव एजेंडा पे नहीं अभी चल रहा है। अभी बातें हो रही हैं, काम की बातें हो रही हैं, किसने का क्या काम किया, लोकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो एक ये सुखद बात थी कि कम से कम रोजगार का मुद्दा उभरा। तेजस्वी यादव की पार्टी ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है अपने घोषणा पत्र में, पहले उसकी उसकी खिल्ली उड़ाई गई, लोगों ने कहा ये संभव ही नहीं है, बजट कहाँ से आएगा, 58,000 करोड़ चाहिए इसके लिए, ये तमाम बातें हुई। लेकिन कुछ दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने 19 लाख काम देने का वादा कर दिया। तो विपक्ष की तो धार थी ये कहने की बजट नहीं है या संभव नहीं है, वो धार अब वो नहीं रहा, और इसलिए ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग हो गया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर इन सब बातों से थोड़ा हटे तो ये सभी जो बातें हैं, रोजगार का अभी जो चुनावी मुद्दा है, वो चुनाव के बाद कितना रहेगा, लोगों के जहन में कितना रहेगा, मीडिया में कितना रहेगा, कितने वादे पूरे किए जाएंगे, इस पर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी पार्टी आ जाए, इसकी आर्थिक नीति बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है, और इसलिए बिहार के मजदूर पलायन नहीं करे बाहर, ऐसी स्थिति मैं देख तो नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति मोटा मोटी बिहार की वैसे ही रहेगी। एक जो डोमिनेंट डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें ज्यादा कैपिटलिज्म, पूंजी निवेश और उसके चलते फैक्ट्रियां, फिर ये सोचना कि वो ट्रिकल डाउन होगा और ट्रिकल डाउन इफेक्ट से लोग खुशहाल होंगे, इसी पर पूरा मॉडल निर्भर है पूरे देश में। क्या राष्ट्रीय जनता दल वाम दल के साथ आए हैं, वामपंथी पार्टी उनके साथ बहुत सालों बाद आई है एक साथ, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि हम कुछ और बातें भी सुने। और ये सच भी है कि वाम दलों के आने की वजह से भी ये जो एजेंडा है, चुनावी एजेंडा, वो भी कुछ जमीन से जुड़ गया है, क्योंकि वाम दल 29 सीटों पर खड़ी हो रही है, और उनका आप जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनली एजेंडा रहा है कि वो गरीबों के हक की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं, इस तरह की वो बात करते हैं, इसलिए एक मजबूती तो उनसे इनको मिलेगी। और शायद बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन शायद कुछ हमको कोई डिफरेंट मॉडल देखने को मिले। सभी लोग, वैसे तो नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले ही नाम लिया है जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का, और कहा है कि हम समाजवाद लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही है जो कि बहुत हास्यास्पद लगती है। और उन्होंने गांधी का भी नाम लिया है, और गांधी को मारने वाले पार्टी के साथ वो पिछले 20 सालों से है, तो मैनिफेस्टो तो हास्यास्पद बहुत स्तर से लगता है। फिर भी जो समीकरण बना है, मुझे लगता है कि बिहार में जो भी सरकार आएगी उसे बाध्य होना पड़ेगा कुछ मूल सवालों को एड्रेस करने के लिए, और उसमें एक रोजगार जरूर होगा। मैं इतना ही कहकर बंद करता हूँ, कामायनी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसमें जोड़े, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने छोड़ दी।
मुझे ऐसा लगता है कि आशीष ने लगभग बहुत सारी चीजें तो कवर कर ही दी, मैं जोड़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि पलायन, मजदूरी, लॉकडाउन, रोजगार के मुद्दे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के दृष्टिकोण से, और जब जब ये महागठबंधन बना तो वामपंथी दलों के आने से इनमें से कई मुद्दे फोकस में लाए गए। यहाँ पे बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि तेजस्वी जी ने तो बहुत बड़ी रैलीज में एज अ स्टार प्रचारक बहुत सारी बातें कही जिसमें 10 लाख के रोजगार की बात कही। एक मुद्दा है जो पूरे लॉकडाउन में हम लोग बहुत सुन रहे थे, आपने कहा हम लोग संगठन का काम करते हैं अपने इलाके में तो मजदूरों को साथ लाना, और तो उस दौरान कई लोग ये कह रहे थे कि ये जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज हैं इन्होंने घर घर आकर हमको लोन्स दिए, और ये जो लोन्स हैं अब ये हमको तबाह कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें वापस चुका नहीं सकते हैं, इस पूरे लॉकडाउन में हमारी तो कोई आमदनी हुई नहीं, तो मेरा रोजमर्रा घर नहीं चला। और इंटरेस्टिंगली मैं उस दिन माले की कैंडिडेट हैं शशि यादव जी पटना में, उनकी बात सुन रही थी, और वो अपनी जिस दिन नॉमिनेशन देने जा रही थी उस स्पीच में उन्होंने कहा कि ये एक मुद्दा है और हम इस पर बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और आज वो वोट मांगने बाहर निकले हैं तो उनकी बातों में वो सुनाई देगा, केवल पॉपुलिज्म नहीं कि अच्छा हम इतना रोजगार, हम 19 लाख, हम 50 लाख नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता, बट वो रोजमर्रा का जो परेशानी है, इसका मतलब वो कैंडिडेट कम से कम अपने आंख नाक कान खोल कर उस समय पलायन कर रहे लोगों की मजबूरियां या उस समय जो घर पे टिके हैं जो माइक्रो फाइनेंस के लोन के बोझ में दबे उसकी बात करने को तैयार है। तो ये मुझे स्ट्राइक किया और मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसी बातें जमीन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं जो निकलते हैं और फिर वो बात करते हैं वो कहेंगे। कुछ मुद्दे हैं जिनको लगातार एड्रेसिंग चाहिए बिहार में। फर्स्ट फेज तो खत्म हो गया, सेकेंड फेज का चुनाव है और फिर हमारे इलाके में थर्ड फेज में चुनाव है उत्तर बिहार में। तो अगर हम देखें तो बुनियादी जो चीजें होती है ना, हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसे करके हम हमारा पंजा खोलते हैं और कहते हैं हमें ये 5 चीजें मिलनी चाहिए क्योंकि हमें इज्जत से जीने का अधिकार है, और इज्जत से जीना बिना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के संभव नहीं है। पर इसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिहार कैसा परफॉर्म कर रहा है, और हमें लगता है कि हर स्तर पर हम पिछड़े ही हैं। और जब ये बात उठाई जा रही है तो हमारे यहाँ जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मतलब अभी जो सरकार है, वो कहती है कि अरे हम तो फिर भी बेहतर है, और पुराना याद करिए, फिर वो जंगल राज और फिर ऐसे। तो 30 साल से हमारा प्रदेश जो है, बिहार प्रदेश जो है, वो समाजवादी होने का प्रयास कर रहा है, मगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी अभी तक नहीं। और ऐसा नहीं है कि कुछ 5% लोग छूट गए हैं जो हाशिए पे खड़े, नहीं, हमारी 60% से ऊपर बिहार की आबादी हाशिए पर ही खड़ी हुई है। इसीलिए अलायन में सबसे ज्यादा मजदूर लौट कर आए बिहार, और मैं वो शेयर करूंगी, मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो बॉबी रबाकांत जी भी आगे शेयर कर देंगे। हम लोग एक छोटा सा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है उसमें भी मदद कर रहे थे, और उसको धाकड़ बिहार के नाम से, तो उसमें जब हम लोगों ने लोगों से मदद मांगनी शुरू की और कहा कि हम कैसे आपसे संपर्क में रहें, तो एक फोन नंबर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा, मतलब 10-20 हजार नंबर सिर्फ अररिया के ही निकल आए। वो ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में किसी और राज्य में फंसे हुए थे, तो वो मतलब इतने इतने हाशिए पे खड़े हैं हम लोग, और 30 साल से हम समाजवादी पार्टियों के प्रभाव में हैं, थोड़ा सा वो लगता है। पर इसके साथ एक बुनियादी चीज हम ये जोड़ना चाहेंगे कि जो एलपीजी का प्रभाव 90s में हम लोगों पर पड़ा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या जिसको हम लोग उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में समझते हैं, उसके प्रभाव को कैसे रोल बैक करें। तो हमें नहीं लग रहा कि चाहे वो अभी का डिस्पेंसेशन हो, चाहे वो हमारे जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है वो हो, वो इसके लिए तैयार है आज की तारीख में कि वो एलपीजी को रोल बैक कर दे और हमें हमारे स्कूलों में शिक्षा सरकारी माध्यम से ठीक से मिल सके, तो उसके लिए क्या। मगर वो एक लंबी चर्चा है मुझे लगता है, और वो चर्चा भी होनी अब बहुत जरूरी है कि हाँ आज फासीवाद का जो
फंदा हमारे गले में लटक रहा है। अब हम सब जानते हैं भीमा कोरेगांव में क्या हुआ, हम सब जान रहे हैं कि सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग आज जेल में बैठे हैं, तो वो तो एक है ही। और दिल्ली, दिल्ली में जो राइट्स के दौरान हुआ के बाद हो रहा है वो तो हम सब जान ही रहे हैं, और उस फांसीवाद से हम लड़ने को भी तैयार हैं, उम्मीद भी लगा रहे हैं इस चुनाव में कि कम से कम वो हमारी राज्य की राजनीति में दिखेगा। पर कहीं पर हमें ये भी देखना है कि वो कौन सी राजनीति है जो हमारे इन बुनियादी मुद्दों को एड्रेस करेगी, और ये जो एलपीजी को रोल बैक करने की जरूरत है उसको आगे उस पहल में हमारा साथ देगी। हमको लगता है कि ये बहुत ही गंभीर है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हम लोग पोस्ट आइडियोलॉजी है, यानी हम लोग अब विचारधारा के बियॉन्ड हैं, अब तो बस हमें एक बेहतर समाज चाहिए, उसके लिए हम किसी एक विचारधारा की बात नहीं करें, एक सोच की बात नहीं करें। तो हमको लगता है कि नहीं, वो परिस्थिति तो नहीं है, मेरा अपना मत है, और मुझे लगता है सवाल जवाब में और चीजें निकल कर आएंगी। पर बिहार का, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चर्चा होती भी रहती है कि शिक्षा की बहुत बुरी हालत है, स्वास्थ्य सुविधाएं बुनियादी रूप से नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोविड में हमारे क्या हाल हो रहे हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। खास करके हमारे इलाके के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा, और उसकी समझ भी नहीं बन पा रही है, तो कुछ बहुत प्रयास भी नहीं हो रहा है उस पर बात करने का, और वो ऐसे सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं जो असल में कोई हल है ही नहीं, जैसे कि इंटरलिंकिंग और रिवर्स। अब वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो कोई हल नहीं है हमारी समस्या का, पर हम लोग जो कोसी सौरव बिहार पढ़ते पढ़ते कोसी के इलाकों में जो रह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद वो एक हल है। तो वो इस तरह की बातें जहाँ पर जानकारी के अभाव में, बिना समझ बनाए, बिना कॉन्वर्सेशंस किए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो सिर्फ ऊपरी सतही पॉपुलिस्ट बातें करती है, जिसका भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी के लिए तो अभी जी इतना ही दिमाग में है, पर अगर आगे शायद चर्चा में और चीजें निकल कर आए। थैंक यू जी, शुक्रिया आशीष रंजन जी और कामायनी जी। तो हम लोगों ने इन दोनों से सुना कि बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो एक्चुअली में चुनावी मुद्दा उतनी तेजी से उभरा नहीं है जितना होना चाहिए था, और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो आशीष रंजन जी ने काफी सही इशारा किया है कि जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके कारण, और जो तेजस्वी यादव जी का जो वोट बैंक है उनके कारण ये मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कुछ ज्यादा ही उभरा है। लेकिन उसके पीछे हमें बिल्कुल ही इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि जो मजदूर भारत के कई सारे शहरों से जो वापस आए, उन्होंने जो अपनी मांगे उठाई उनके कारण से ही इन सब पार्टियों ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और तो इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और वक्ता जुड़े हुए हैं, गौतम कुमार प्रीतम जी। वो भागलपुर के बिहपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आइए उनको सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके इलाके में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो गौतम कुमार प्रीतम जी, आप अगर 5-10 मिनट कुछ बोलें, अपनी बात रखें। गौतम जी, आपकी माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो, हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, कृपया थोड़ा माइक के पास आकर। हाँ हाँ, थोड़ा माफी चाहते हैं, कैंपेनिंग चल रहा है, रास्ते में ट्रेवलिंग में है। सभी साथी को जिंदाबाद, और कोई सवाल, चूंकि रास्ते में मैं चल रहा हूँ, थोड़ी बातचीत सुन पा रहा था, कुछ नहीं सुन पा रहा था। बिहार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चर्चा आई बेरोजगारी को लेकर के, अभी अभी जो कमानी जी का वो उस पे आया कि हमारे इधर जो क्षेत्र है
बाढ़ पीड़ित का इलाका है तो ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है। तो कुछ अगर कोई कॉन्क्रीट क्वेश्चन हो तो मैं उस पर थोड़ा बोल पाऊं। अमित सर, तो गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के साथ जुड़े हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बड़े चुनावी समय के समय भी आप थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए निकाल पाए हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में कौन सारे जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से उभरे हैं और उनके पीछे किन मतलब जो मजदूर साथी हैं और जो हमारे ऑपरेस्ट कास्ट के जो लोग हैं उनका क्या कहना है और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में कौन सारे मुद्दे अभी आपके हिसाब से होने चाहिए थे जो कुछ हुए हैं और जो कुछ छूट गए हैं उनके बारे में आप थोड़ा अगर प्रकाश डालें तो हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी जी, बिहार का जो कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरुआत किया खास करके जो लॉकडाउन के समय जो मजदूरों का समस्या आया और लॉकडाउन के अंधेरे में ही मजदूरों के कानून को बदल करके जो 8 घंटे का समय था ड्यूटी करने का उसे 12 घंटा कर दिया, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग गांव गांव गए थे। लॉकडाउन से उपजी भुखमरी जो बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों का जो है उत्तर प्रदेश से कई जगह से लोगों का फोन भी आ रहा है। तो बिहार का जो मुद्दा है वो शिक्षा के मामले में आज भी बिहार सबसे पिछड़ा है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल है। बिहार आज भी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है। बिहार आज भी भुखमरी, बेरोजगारी, तमाम तरह के चीजों में आप देखेंगे कि बहुत पीछे है। बिहार में जो राजनीति हुई पिछले 15 साल का, जिसे सामाजिक न्याय का धुरंधर कहा जाता है, लालू काल कहते हैं, और दूसरा 15 साल जो आया नीतीश काल, इन दोनों ने बिहार के अंदर जो अगड़ी पिछड़ी दलित महादलित जो जातीय मुद्दा था उसको ज्यादा उभारने का काम किया। आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जो भी बिहार की अर्थनीति आर्थिक क्षमता है वो बिहार के मजदूरों के ऊपर है और वो जब प्लान करके बाहर जाते हैं अलग अलग शहरों में वो रुपये पैसे कमाते हैं और वो बिहार को भेजते हैं, बिहार इसी से चल रहा है। सरकार का जितना दावा है वो सब झूठा है और सरकार में अभी जो चुनाव में उन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया है वो सब झूठे और झूठ का पुलिंदा है। शिक्षा पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको मालूम है कि अनिल सतगोपाल जैसे विद्वान प्रोफेसर मुचकुंद दुबे के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 2007 में, 8 जून 2007 को अखिल भारतीय जो है शिक्षा संघर्ष समिति के बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, वो सिफारिश उनको 8 जून को दिया गया। क्या नीतीश कुमार ने ये काम किया? नहीं किया। और लालू जी के समय में भी क्या था शिक्षा को लेकर के? चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था, न चरवाहा के लिए विद्यालय बना, न जो सही में पढ़ने वाले छात्र है उनके लिए शिक्षा दीक्षा बढ़ी, न रोजगार बढ़ी। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्रीय मुद्दे में, हमारे यहाँ जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बिहपुर विधानसभा 152 क्षेत्र से, तो यहाँ एक भी महाविद्यालय नहीं है, एक भी महिलाओं के लिए महाविद्यालय नहीं है, पुरुष का नहीं है। तो ये ऐसा स्थिति है, कोसी गंगा दोनों के क्षेत्र से कटाव में जो विस्थापित है, कोसी और गंगा के कटाव से जो भूमिहीन है, जो कट गए, कहीं बांध पे रह रहे हैं, कहीं रेलवे किनारे रह रहे हैं और ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। अभी अभी लगभग 10-12 गांव के लोग कट करके पलायन हुए हैं जो रेलवे किनारे बसे हैं, उनके लिए चापाकल नसीब नहीं। हम लोग अभी घूम रहे थे तो कहा कि देखिए एक चापाकल भी नहीं है, वो रेलवे स्टेशन से जाकर के पानी लाते हैं 1 किलोमीटर चलकर फिर पीते हैं। हमारे यहाँ आम की अच्छी पैदावार होती है, नीतीश कुमार राष्ट्रपति को आम भेजते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन आम को लेकर के कोई फूड प्रोसेसिंग यहाँ काम नहीं होता, छोटा छोटा प्लांट होना है ये नहीं होता। लीची की अच्छी पैदावार होती है, केला का बहुत अच्छा पैदावार होता है, मछली यहाँ बहुत उत्पादन होता है, लेकिन लेकिन जो है
इन सब चीजों को लेकर के कोई यहाँ पर नीति नहीं है बिहार सरकार की। बिहार सरकार की नीति कृषि आधारित उद्योग जिससे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर अधिक से अधिक जो पलायन रोकने का काम किया जा सकता है वो कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से, वो नहीं है। आप जितना भी स्कूली सिस्टम में आप जाएंगे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या महाविद्यालय हो, सभी जगह शिक्षा का पूरा बंटाधार है। कहते हैं हम 8वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त में हम किताब देते हैं, तो किताब कब देते हैं? जब दिसंबर का महीना आता है, नवंबर का महीना आता है, और किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। बिहार सरकार ने क्या किया? लोक लुभावन कार्यक्रम चलाया। वो लोक लुभावन कार्यक्रम क्या हुआ कि मैट्रिक पास करेंगे यानी 10वीं तो 10,000 रुपया, 12वीं पास करेंगे 15,000 रुपया, और ग्रेजुएशन करेंगे तो 25,000 रुपया, साइकिल देंगे, पोशाक देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। तो ये जो पूरा उन्होंने जमींदारी प्रथा का जो शिक्षा में जमींदारी प्रथा लागू किया, सामंती प्रथा लागू किया, वो यहाँ देखने के लिए। बिहार में आज भी जो आपने कहा कि जो उच्च वर्णीय लोग हैं, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा वो जातिवादी, वो निकलते नहीं जाति के खोल से। पूरा का पूरा भी देखिए, जाति के खोल से निकलते निकलते निकलने का जगह उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की। बिहार में जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है और उसके इर्द गिर्द देखेंगे कि जितने भी सवर्ण सामंती ताकत लोग हैं वो सभी भाजपा और जदयू के साथ है। उसमें से जो बचते हैं वो ताकतवर लोग आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। उनके टिकट बंटवारा में भी देख लीजिए, साफ साफ नजर आएगा। तो जो सामाजिक न्याय का कंसेप्ट था कि हम देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था करेंगे, एक संविधान जो हमारा एक आईन है उसके आधार पर हम इस देश का विकास करेंगे, तो इन तमाम मुद्दों से न बिहार के विपक्ष में है न पक्ष में, दोनों के दोनों इस मामले में अलग हैं। विपक्ष भी उस मुद्दे पे नहीं है, पक्ष भी मुद्दे पे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि देश के अंदर NRC, NPR, CA तमाम जैसे मुद्दा आने के बाद दोनों सरकार वहां पर बैठ जाती है, जनता जो है वो सड़क पर उतरती है, हमारी जो माँ बहने हैं वो सड़क पर उतर करके आंदोलन करती है। दूसरा एक और है, यहाँ अभी भी जो दलितों को लेकर के एक एट्रोसिटीज एक्ट को खत्म किया जा रहा था, 2 अप्रैल का बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें मैं 3 महीना जेल में रहा, लगभग 20 अप्रैल से लेकर 7 जून तक। तो वो उसमें आप देखेंगे बिहार में अभी भी दमन है, दलितों का दमन जो है अभी भी है, अति पिछड़ों का, दलितों जैसा ही स्थिति अति पिछड़ों का भी। अति पिछड़ों में आप देखेंगे कि जो कामगार जाती है, जैसे कुम्हार है, बढ़ई है, बढ़ई है, सुनार है, जो छोटी छोटी नाई है, इन सब जातियों की जो भी बड़ी जाति है, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो या फिर सवर्ण के जो ऊंची जाति है, वो हमेशा उनको दबाए रहते हैं। तो उनके लिए कोई कानून नहीं, उनको सुरक्षा के लिए कोई, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आपको ठोस रूप से बोलने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे चुनाव में अभी फिर चुनावी जुमले चल रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कैसे रोजगार देंगे इसका कोई मैप नहीं, लेकिन उसी तरह बोल रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। तो उसी रास्ते, भाजपा के रास्ते ही RJD जा रही है, जदयू तो उसके साथ में ही है। तो बिहार की जो जनता है उसको हमारे जितने आंदोलनकारी साथी हैं, वैचारिक साथी हैं, उनको राजनीति में भी उतना ही जोरदार तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई विकल्प सामने नहीं है बिहार की जनता के सामने, बस चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, सरकारें जिनकी बननी है बन जाएगी, लेकिन बिहार फिर से ठगा जाएगा। 2020 के चुनाव में बिहार की जनता फिर से ठगी जाएगी, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। यही अभी तक हमारा अनुभव है, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच इतना कालाबाजारी, भ्रष्टाचार किया है। दिन भर में फोन आता है, गौतम जी हमारे पास 50 वोट है, आप कितना पैसा देंगे, कुछ खर्चा पानी देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? तो मेरे जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं ना नोट दे सकता हूँ, ना साड़ी दे सकता हूँ, ना दारू दे सकता हूँ, जो देगा तुम्हें दारू साड़ी नोट उसी को तुम दे देना वोट। तो इस तरह की चर्चाएं बिहार की जो सच्चाई है, हमारे आप सब साथी, हमने आपके सामने रखने का कोशिश किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम प्रीतम जी। तो हम लोगों ने गौतम प्रीतम जी से भी जमीनी बातें कुछ सुनी, जैसे कि वो बता रहे थे कि
शिक्षा का पूरी तरीके से बंटाधार हो चुका है और विस्थापित लोग जो कोशी और गंगा के कटाव से जो लोग जिन लोगों का विस्थापन हुआ है उनके बारे में सरकार की कोई सुनवाई कई सालों से नहीं है, और दूसरी तरफ उच्च वर्णीय जातियां जो हैं वो जाति और धर्म के मुद्दे को साथ लेकर के अपनी चुनावी रणनीति कई सालों से अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ये फ्लोर जो है वो ऑडियंस के लिए खोलना चाहिए और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं वो अब अपनी बात को रखें और आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, सवाल न सिर्फ सामाजिक मुद्दों और आंदोलनों से जुड़े हुए बल्कि हम लोग उन सारे सवालों पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी जातीय समीकरण क्या है और वामपंथी पार्टियों के आने से किसको कितना फायदा मिलेगा, इन सब बातों पे भी हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सवालों को हमारे पास रखें और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो वक्ता हैं वो उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपके सवाल आमंत्रित हैं, कृपया उन्हें भेजने की का कष्ट करें और हम लोग जितना हो सकता है हमारे हिसाब से एक चर्चा हो सकती है उन सवालों पर। मैं वीएन शर्मा रांची से बोल रहा हूं। जी सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ डॉक्टर शर्मा, आपकी आवाज काफी सुनाई पड़ रही है अच्छे से, आप अपनी बात रखें। ठीक है। ये जो चुनाव से संबंधित बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये जैसे सभी चुनावी जुमले पहले होते रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी पार्टियां एक्सेप्ट ये मार्क्सिस्ट पार्टी जो है सीपीआई सीपीएमएल सीपीएमएल को छोड़ दीजिए तीन को, तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियां जो है चुनावी जुमला खेल रही हैं कर रही हैं। ग्रेट मोदी जी ने तो बता दिया, अमित शाह ने बता दिया कि सब चुनावी जुमला होता है, ये बहुत पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी जुमला होता है जिसको बाद में उसके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई बहुत ना तो अब चाहे एनडीए की बात करिए चाहे यूपीए की बात करिए या महागठबंधन की बात करिए, मुझे बहुत इंकरेजमेंट दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि सभी लोग अपने अपने चेकर्ड हिस्ट्री दिखा चुके हैं, अपना अपना गेम पहले खेल चुके हैं और ये गेम दोबारा खेलने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है कि ये कौन सा विकेट और कौन सी बैटिंग कहाँ किस लाइनअप में आएंगे और कहाँ क्या करेंगे। पहले भी आरजेडी के साथ मार्क्सिस्ट रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां रही हैं और उसके बाद उनको जो है लतियाया गया, लालू जी खुद ही लतियाते थे उनको, दिल्ली में जाके सेंट्रल लीडरशिप जो थी उनकी उनको लतियाते थे, तो ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये जिस दिन ये जीत जाएंगे और पावर में बैठ जाएंगे उस दिन ये बात खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले तो ये होता है कि अब लालू जी जब बैठे थे तो उसमें उनके साथ करप्शन का चार्ज लगा और वो करप्शन के चार्ज के अंदर जेल में, इनके दोनों बेटे जो हैं ये बिना किसी तरह की कमाई दिखाए हुए कहीं से भी किसी भी सोर्स से ये अलग से करोड़पति बने हुए हैं। अब ये तो हमें से पूरे हिंदुस्तान को आप देख लीजिए तो सभी अपोजिशन पार्टी जो है खत्म हो गई है। खत्म इसलिए नहीं हो गई सिर्फ कि मोदी जी बहुत ज्यादा पहलवान निकले, बल्कि इसलिए खत्म हुए कि सब करप्शन में फंसे हुए थे, सबके यहाँ सीबीआई और ईडी का रेड होने का डर होता है। मुलायम यादव को देखिए वो चुप्पी मार के बैठे हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव जी, कल मायावती जी जो है उन्होंने वोट बीजेपी को देने का कही दिया है, ये नहीं होगा ये कैसे हो सकता है। और जो भी बातें निकल चुकी है इसमें कि आरजेडी कहीं पर लाइनअप कर रहा है इन चीजों से बचने के लिए भाजपा के साथ, ये तो बहुत ही कोई श्योर गारंटी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन अब ये सब चीजें हैं, अखबारी खबरें हैं, टीवी की खबरें हैं, अब उसको उसके हिसाब से हम लोग अगर सोचे तो बहुत ज्यादा ये कुछ चेंज होने का नहीं है। दूसरी एक बात जो मैं महसूस करता हूँ, काफी दिनों से महसूस करता हूँ, और इसका जो माइलस्टोन डेट है वो है 1966-67। उस समय से शिक्षा की व्यवस्था, मैं आईआईटी कानपुर में था उस समय और मुझे याद है कि 66 में 67 में जो पूरे देश में एंटी कांग्रेस वेव हुआ
उस अपहेवल में बिहार में एजुकेशन पिछड़ गया। बाद में महामाया बाबू आए और जिगर के टुकड़े जो कहते थे होता था, और जिगर के टुकड़े उनके ये कहते थे कि एग्जाम मत लीजिए, फिलहाल एग्जाम नहीं हो सकता है, और उन्होंने एग्जाम नहीं होने दिया। नतीजा हुआ कि हम लोग दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल पिछड़ गए। और यही चीज यूपी में भी हुई थी 67 में, वहाँ भी लड़के एग्जाम नहीं दे पाए, इतना बलवा पंगा चल रहा था, 7-8 महीने तक सरकार में स्ट्राइक रही, वहाँ कोई देखने वाला नहीं करने वाला नहीं। लेकिन ठीक 68 में यूपी ने रिकवर कर लिया, चाहे जो भी उनका स्टैंडर्ड पढ़ाई का उसको पहले फिलहाल छोड़ दे, कम से कम वो टाइमली एग्जाम और टाइमली रिजल्ट और टाइमली एडमिशन वो कर लेते हैं। बिहार में आज 50 साल से ऊपर हो गए, 53 साल हो गए, ये उस जगह पर आ ही नहीं पाया कहीं किसी जगह में, यूनिवर्सिटी में जगह। मैं यहाँ लोकल गेस्ट लेक्चर के रूप में पढ़ाता हूँ, मैं कभी मुझे बुलाया जाता है, वो समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ जब टीचर नहीं है तो तुम डिपार्टमेंट आय को खोल के बैठे हो, और टीचर नहीं है तब डिपार्टमेंट खुला हुआ है, सब तरह के डिपार्टमेंट खुले हुए, डिग्री मिल रही है। कल रवीश कुमार ने वो दिखा भी दिया कि साहब 12,000 लड़कियां बेगूसराय के किसी कॉलेज में एडमिटेड है, 19 टीचर है अभी वहाँ कोई। तो ये पढ़ाई की व्यवस्था भी सही नहीं है, नौकरी की भी व्यवस्था सही नहीं है, स्कूल का पढ़ाई ठीक नहीं है, कॉलेज का पढ़ाई ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने आकर के एक काम तो किया उन्होंने कि जो वो बहाली कर ली वो गाँव के लड़कियों का बहुओं का, उसका उसका कुछ टीचर उचर बन गए तो वोट वोट तो मिल गया, खैर ठीक है, वो एक अच्छी पॉलिसी थी कि लोग वहाँ लोकल। लेकिन अभी लोकल लोग कितना पढ़े थे, कितना एजुकेटेड थे, क्या पढ़ाते हैं, उसका भी नजरिया जो दिखाई पड़ा है, जो भी कभी कभी बीच बीच में रिपोर्ट आती है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे समझ में आता नहीं है कि बिहार की सरकार में आप चुनाव लड़ो ना लड़ो फर्क क्या पड़ता है, चीज तो वहीं की वहीं रह जाती है, वैसे ही बिगड़ल की बिगड़ल रह जाती है। अब वो उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था, इन्होंने कुछ विद्यालयों में गांव में लगाया, अब वहाँ पढ़ाई क्या हुई क्या नहीं हुई पता नहीं। यूनिवर्सिटीज का तो हालत बहुत खराब है कि यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, रूम नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो अब पढ़ाई क्या हो रही है। वो तो दो चार ही एग्जाम्पल दे रहे थे जो मैं देख रहा था, लंगट सिंह कॉलेज का और बेगूसराय का, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पता है, मुझे मेरा भी घर वहीं पर है इसलिए मुझे मालूम होता रहता है कि किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ होने ना हो नहीं रहा है। तो पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, फिर नौकरी करके आप क्या करोगे, नौकरी क्या पढ़ कर लोगे ना, जब आपके पास अकल ही नहीं है, आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया तो कौन सा इम्तिहान दे। तो वहाँ से जो लड़के भाग के बिहारी लोग जाते हैं यहाँ वहाँ कोटा में और साउथ में, आंध्रा में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, वहाँ जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं टेक्निकल, चाहे कोई भी किसी तरह की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, बिहार में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये चीज पता नहीं क्यों हम लोगों की मिट्टी में ऐसा है। जब झारखंड बना था तो यहाँ मैं मुझे चीफ मिनिस्टर जो उस समय थे किसी कारण से मुझे मिले, और उन्होंने कहा कि भाई आप जरा सा मेरे यहाँ ज्ञानवर्धन कराओ, ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट समृद्ध थे, उन्होंने एक मीट करी और उसमें उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है। तो मैंने कुछ उदाहरण को दिए कि इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो आपका शायद यहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक चल जाएगी कुछ इन। लेकिन एक यहाँ पर मीटिंग में कही, बहुत सारे इसका हॉल भरा हुआ था, कि गुंडों को कैसे रोकेंगे। और हमने उदाहरण दिया कि मैं IIT कानपुर में था तो वहां पर शायद एक अलिखित समझौता था सभी पार्टियों के बीच में कि कैंपस के आसपास में गुंडे नहीं दिखाई देंगे, ना तो पॉलिटिकल पार्टी वाले गुंडे होंगे ना जो है सो मर्डरर्स होंगे। विकास दुबे पास पड़ोस का ही जो आदमी था वो बिल्कुल बगल का ही था, IIT कानपुर के बगल में ही चौबेपुर है और मंदना और ये सब है, तो वहां का था, लेकिन उस जमाने में वह नहीं था और एटलीस्ट IIT कानपुर से उसका कोई लेना देना उन लोगों का किसी का नहीं था। मैंने यहाँ उदाहरण दिया, वो मैंने फिर उदाहरण दिया कि आप पावर सप्लाई का क्या करेंगे, पावर सप्लाई तो आपके यहाँ होती नहीं है। मैं यहाँ सेल R&D में था, यहाँ पावर सप्लाई जब R&D इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता है, जब HEC में नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर कि आपको हॉटलाइन का पैसा दे रहा है, तो उसके बाद आप आगे क्या करेंगे। वो स्थिति यहाँ भी नहीं सुधर पाई, हमने कहा कि आप कॉलेज खोलिए इस सब, लेकिन ये सब शर्तें पूरी कीजिए। अब यहाँ पर स्कूल कॉलेज क्या खोलना है, आप एक छोटा सा मकान बनाने जाइए 1,000 square feet का, अगले दिन सबसे पहले जो है सुबह दादा खड़ा हो जाता है, लाइए साहब आपको मकान बनाना है तो हमको 1,00,000 rupees दे दीजिए, 2,00,000 rupees। तो बिहार में भी हालत तो वही है। और ये अभी एक जो मैडम ने अभी बताया
कि वहां मैडम सॉरी गौतम प्रीतम ने जो बताया कि अब वोट देने के लिए पैसा मांग रहे हैं, बताइए इस तरह का जो पैसा लेकर के वोट देगा वो कौन सा वोट देने वाला है। और उस पर जो है हम लोग इतना इंटेलेक्चुअल चर्चा हो रही है, पूरे ग्राफ खींचे जा रहे हैं, लंबे चौड़े बनाए जा रहे हैं कि साहब हम लोग जो है सो इलेक्शन में ऐसे पटक देंगे, वैसे जिता देंगे, वैसे जीत जाएंगे, और ये पर क्या परिवर्तन होने वाला है जब पैसे से ही होने वाला है, जब अपर कास्ट का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, जब लोअर कास्ट का, अब आप कास्टिज्म ही करते रह जाओगे और ये सब करते रहोगे तो फिर चुनाव का मतलब क्या होगा? कुछ कोई मतलब नहीं होगा, मुझे यही कहना था। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर वी एन शर्मा जी अपनी आपने अपनी बात और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। तो शिक्षा के मुद्दे को ही आगे बढ़ाते हुए मेरे पास एक डेटा है, क्योंकि शिक्षा के दो पहलू हैं, एक तो एक रोजगारोन्मुखी शिक्षा जिसके थ्रू हम लोग रोजगार पैदा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी एक शिक्षा का दूसरा पहलू है प्रगतिवादी शिक्षा की अवधारणा, जिसमें हम लोगों को क्रिटिकल सोच विकसित करने का भी हमारा मकसद होता है। तो मैं जानना चाहूँगा आशीष जी से और कामायनी जी से कि वो शिक्षा को कैसे देखते हैं, बिहार में जो शिक्षा अभी तक चली आई है उसको कैसे देखते हैं। और यहाँ पे मैं एक डेटा रखना चाहूँगा जो जो बेरोजगारी के ऊपर एक डेटा मैंने देखा कि बिहार में जो अभी बेरोजगारी की जो दर है वो करीब 12% है, और पूरे भारत में इस कोविड के दौरान जो बेरोजगारी की दर है वो करीब 7-9% के बीच में है। तो बिहार में अभी भी बेरोजगारी की दर बाकी सब जगहों से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, मई और अप्रैल और मई के समय बिहार में बेरोजगारी की दर 46% थी और भारत में वही दर 24% थी। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो डेटा है वो हमारे जो अब तक की गुफ्तगू हुई है उसी को सूचित करते हैं कि बिहार में शिक्षा की जबरदस्त कमी और रोजगार के साधनों की जबरदस्त कमी के कारण हम लोग अभी भी, जैसा कि कामायनी जी ने बताया कि 60% से भी अधिक लोग हाशिए की जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। तो आशीष और कामायनी जी, आप अगर शिक्षा और रोजगार को जोड़ते हुए अपनी कुछ बात रखना चाहें तो कृपया रखें। हेलो जी, देखिए मैं एक थॉट है कि भाई इम्प्लॉयबिलिटी नहीं है लोगों की, वो तो पढ़े लिखों के लिए ठीक रहेगा वो विश्लेषण करना, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पहले अगर शिक्षा से शुरू करें तो मुझे लगता है कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, लेकिन 6 भाई बहन है मेरे और 4 लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की पटना में। तो एक समय था जब सरकारी स्कूलों में, क्योंकि कम लोग जाते थे, अभिजात वर्ग के लोग जाते थे, अपर कास्ट के लोग ज्यादा जाते थे, वो फैक्टर था, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल की शिक्षा आपको एक जनरेशन पहले, यानी मेरे जनरेशन से सोचिए कि वो समाप्त एक तरह से होती चली आई, और आज की स्थिति तो ये है कि उच्च शिक्षा तक, शिक्षा के नाम पर बिहार में कोई शिक्षा है नहीं। स्कूल में जो थोड़ी बहुत शिक्षा है, जैसा कहते हैं आम भाषा में, मैं वही इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है, ये भगवान भरोसे ही चल रहा है, पूरा देश ही चल रहा है, बिहार तो ज्यादा ही चल रहा है। बिना पढ़े किस तरह से लोग यहाँ मैट्रिक पास कर जा रहे हैं, हम लोग युवाओं के साथ बहुत सारा काम करते हैं, मुझे देखने में आता है कि वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं, बहुत बेसिक जो 3 R's है, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, वो IA BA के छात्र नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी शिक्षा प्रणाली जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हायर एजुकेशन भी कॉलेज सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, कुछ पटना और गया, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, कुछ यहाँ पर कुछ कॉलेजेस बचे हैं, पटना में भी हमको लगता है कि बहुत कम कॉलेजेस बचे हैं जहाँ रेगुलर एक टीचिंग एटमोसफेयर है। तो हायर एजुकेशन ट्यूशन के भरोसे से चल रहा है, और अब उसके पहले का भी एजुकेशन जो मिडिल क्लासेस हैं और मैट्रिक तक की जो शिक्षा है वो भी ट्यूशन के भरोसे चल रहा है। तो ये जो शिक्षा में एक वॉइड सी क्रिएट हो गई है कि हम लोग 3 R's भी नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जो शिक्षा होनी चाहिए या स्कूल और कॉलेज जिसको कहते हैं कि सर्वांगीण डेवलपमेंट के लिए होता है एक व्यक्तित्व का,
वो तो भूल जाइए, वो कहीं से आपको बिहार में नहीं मिलने वाला, और उनको लगता है कि बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला, बंगाल में कुछ बचा हुआ है। तो शिक्षा की बहुत बुरी हालत है, लेकिन इसलिए रोजगार नहीं है मैं ये नहीं मानता। रोजगार का अभाव ये तो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है, और जानबूझ के शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि अगर शिक्षा जितने बड़े वर्ग को दी भी जा रही है वो भी तो बाहर जा रहे हैं। मैं अपना व्यक्ति, क्योंकि उदाहरण लेना भी जरूरी हो जाता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं करते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, एक एलीट स्कूल में ही पढ़ा पटना में, तो मेरे कोई दोस्त तो बिहार में नहीं रहे, सभी लोग बाहर चले गए। जिसकी जो क्षमता थी, जिसकी जब क्षमता थी, वो दसवीं के बाद बाहर चले गए, वो क्षमता के अनुसार वो बात हुई। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा एक सिर्फ एक एक तरह से नाम ही का रह गया यहाँ पर, जिसको हम लोग शिक्षा समझते हैं, और उसके चलते रोजगार नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ। रोजगार इसलिए नहीं है कि यहाँ पर, उसके लिए लंबा थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एक तो पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो कैपिटलिज्म का मॉडल है, वो देखता है कि कोई भी प्रोडक्ट कहाँ सस्ते में बन सकता है, वहाँ उसके लायक स्किल्स कहाँ से हैं, उसके लायक इंजीनियर्स कहाँ से। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में ही सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बैंगलोर में खुलती है तो वहाँ रिक्रूटमेंट से लेके सब सारी फैसिलिटी वहाँ बहुत आसानी से हासिल है, इसलिए बैंगलोर में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। इसी प्रकार से हर एक अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग खूबी होती है सेटअप होने में, उसके चलते ये हमारा पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है। यहाँ एग्रीकल्चर का पूरा बोलबाला है, 90% रूरल इलाका है बिहार। इसको लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रेस्ट वर्ड्स बॉटम है, ये जो राज्य सरकारें पूंजी निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाती हैं, एक तो केंद्र से उपेक्षित रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सारा झारखंड में चला गया, बिहार में बहुत कम है, तो और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ले लें या तमाम चीजें ले लें, बिहार में वो नहीं है, तो वो केंद्र से तो उपेक्षा के शिकार रहे ही है। लेकिन ये पूरा जो इंडस्ट्री का मामला है वो आसानी से बदलने वाला नहीं है। ये रेस्ट वर्ड्स बॉटम है कि आप बिजली फ्री दे दीजिए, पानी फ्री दे दीजिए, जमीन अधिग्रहण करके दे दीजिए, और तमाम सुविधाएं दे दीजिए, जो हम लोग देख चुके हैं एस सी जेड का जो पूरा मामला है पूरे देश में, खासकर वेस्ट इंडिया में, महाराष्ट्र में, बैंगलोर में कह लीजिए, कर्नाटक में या गुजरात में, ये जो पूरा एस सी जेड का मॉडल है वो देश बेचने का ही मॉडल है, और उस पर फिर कंपनियां आती हैं लगती हैं। बंगाल में कि वहां नंदीग्राम में कितना बड़ा संघर्ष हुआ, और हजारों एकड़ जमीन जो है कौड़ी के भाव टाटा को दिया गया, फिर लोगों ने संघर्ष करके जीता। लेकिन वही फैक्ट्री जब गुजरात में भी चली गई नैनो की, तो वहां भी कौड़ी के भाव उनको जमीन मिली, और भी सस्ती जमीन मिली, फिर भी वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो पूरी पूरा मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जॉब क्रिएशन का, वो जॉबलेस ग्रोथ का मॉडल है। इसलिए एक सरकार को दोष देना यहाँ पर उचित नहीं होगा, और शिक्षा को भी उस पर दोष देना उचित नहीं होगा, मेरा तो ये मानना है। मैं बस जोड़ देना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जब कोई नास्तिक ये कह दे कि शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है, तो मुझे हंसी आती है कि इनको तो उतना भी विश्वास नहीं कि शिक्षा में कुछ हो रहा है। पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी सहमत हूँ, इम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब एजुकेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या ऐसा लिंक नहीं देखती हूँ। पर ये जरूर है कि एक चीज जो मैं जोड़ रही हूँ शिक्षा वाली चर्चा में, वो ये है कि शिक्षा कुछ नहीं तो एक चीज करती है, वो अगर मुक्तिदायक हो तो वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग देती है, वो आपको ये क्षमता देती है कि आप सवाल पूछें, क्यों नहीं है नौकरी ये तो पूछना है ना, वो भी ये शिक्षा नहीं देती है। वो जाति का रेफरेंस बार बार आता है, बिहार में ही नहीं और चुनाव में ही नहीं, असल में हर समय आता है। मतलब हमारी ये साथी हैं भंवर मेघवंशी, वो हरदम कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कर्म कांड है सब आपका जाति डिटरमिन करती है, और जाति हर जगह आती है। तो ऐसे सोचकर मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जातिवाद हुआ या पितृसत्ता हुआ, तो इस पर सवाल पूछना सिखा दे वो शिक्षा, चलिए रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक आप नहीं सिखा पाए, ये तो सिखा दीजिए कि इंसान बराबर होता है, भगवान ने उसको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं सिखाती है शिक्षा। ये शिक्षा सिखाती क्या है, ये शिक्षा ये सिखाती है कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, आपको पुश आउट नहीं कहते, आपको ड्रॉप आउट कहते हैं, तो अगर आप 8वीं से बाहर चले गए तो ये आपकी गलती है। सच ये है कि आप तैयार ही नहीं है
एक वर्किंग क्लास व्यक्ति के बच्चे बच्ची की शिक्षा के लिए हमारा सिस्टम तैयार ही नहीं, और हम ये उसको जरूर सिखा देते हैं कि हाँ आप एक महान मूर्ख हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ तो एक और है कि वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सीरियसली कहते हैं, वो खुद भी कह देते हैं कि हम तो मूर्ख छे, हाँ कहूँ मतलब हम तो मूर्ख हैं आप बताइए। तो मतलब वो इतना भर दिया है कि पढ़ा लिखा होना समझदारी का कोई द्योतक है जो कि वो नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि मतलब एजुकेशन का क्या मतलब है। सबको तो स्कूलों में ठूस ही दिया, कम से कम रजिस्टरों पे तो ठूस ही दिया गया है, तो आप हमको दिखता नहीं है कि वो बच्चे बच्चियां स्कूल में नहीं है, पर वो जो स्कूल जा रहे हैं वो काफी नुकसान हो रहा है उनको। मुझे भी ये भी लगता है रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक नहीं होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और पावर चैलेंज करना कतई नहीं सिखा रहे हमारे स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही मतलब सही आकलन आपने किया है कि शिक्षा और बेरोजगारी को एकदम से कपल करना उचित नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे मुद्दे हैं। और जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि कृषि का रोजगार से काफ़ी बड़ा जुड़ाव है, तो उसी सिलसिले में हमारे साथ ईश्वरदास खजूरिया जी हैं, और बिहार में अभी नहीं लेकिन पहले एक चुनावी मुद्दा उठ के सामने आया था कि जम्मू और कश्मीर में जो जमीन देने की बात चल रही है वो कि भारत के कई सारे लोग आकर के वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, और तो उस पर वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। तो ईश्वरदास खजूरिया जी, आप अगर कुछ बात अभी रखें, और वहाँ पे हम लोगों को ये भी बताएं कि जम्मू और कश्मीर में भी बिहारी मजदूर काफी गए थे और वहां से भी उनका पलायन हुआ, और इस कारण से भी वहाँ का जो की जो विकास है वो भी बाधित हुई है इस पलायन की वजह से। जी, मेरी आवाज आ रही है? आइए। जी हाँ बिल्कुल। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुन रहा था, मुझे बिहार से ज्यादा मैं कभी गया नहीं हूँ, और ऐसे कोई पूरी जमीनी वाकफी नहीं थी, और आपको सुनकर सबको पता चल रहा है कि वहाँ क्या हाल है। उससे तो हम बड़े बेहतर है जम्मू कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ था और अब लूटा जा रहा है। वो 17 साल हम बच गए, अब हमें लूटा जा रहा है। हमारे ब्रेन ड्रेन भी हो रहे हैं, हमारे मटेरियल भी ड्रेन हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी अब ड्रेन होंगे, और हमारी लैंड भी अब जहाँ से हमारे हाथ से जाएगी। तो मैं पहले तो एक हमारी बेटी बोल रही थी, उनसे मैं थोड़ा का और ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें शिक्षा से जो मतलब है वो ये समझना चाहिए कि हम इस सिस्टम को समझें, जो जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम को समझें। दरअसल वो हमने छोड़ दिया, जो हमारी पुरानी दो पीढ़ियाँ थी उन्होंने अंग्रेजों के साथ ब्रिटिश के साथ लड़ते लड़ते खुद भी कुर्बानियाँ दी और समझने की कोशिश की, चाहे वो अनपढ़ थे, और उन्होंने अपने बच्चों को भी ज्यादा नहीं तो 70-80% इजाजत दी कि जब भी यार आपका हक खाया जाए तो उसके लिए बोलो। लेकिन आज हम अपने बच्चों को, आज की पीढ़ी को इससे हटा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आपको किसी झगड़े झफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे घर जाना है, घर आना है, पढ़ना है, लिखना है, और कुछ नहीं करना, ना इकट्ठे होना है, ना ज्यादा उन झगड़ों में पोना है। ये दरअसल एक बहुत ही नकारात्मक नेगेटिव पहलू बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ ये है कि पॉलिटिक्स इज वर्स देन द लॉज ऑफ लैंड, पॉलिटिक्स डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। अगर राजनीतिक नहीं हम बने तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे PhD भी कर लेंगे, चाहे हम कुछ भी पास कर लेंगे। राजनीतिक होना बहुत जरूरी है, और राजनीति समाज को बदल देती है। नेचर और मैन का जो रिलेशन है, प्रकृति और मानव का, उसको समझने में और उसे बदलने में वो राजनीति जो है वो काम करती है। इसलिए हमें पढ़ाई को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। शिक्षा जो जरूर है कि हमें जॉब और इंटरव्यू भी होती है, हमें रोटी पे पानी भी देती है, उस किस्म का ही जब तक पढ़े कोई ऐसा जॉब भी मिलता है उसको। लेकिन कहो कि समाज बदलने में वो काम आएगी, पढ़े लिखे लोग समाज बदलना जाएंगे, सिर्फ नहीं, रोल उनका होगा कुछ तक, लेकिन कहो कि वो ही बदलेंगे, वो ऐसा नहीं है। समाज बदलेगा जो समाज को समझेगा, जो राजनीतिक बनेगा।
तो उससे मैं ये समझूंगा कि जो हम जितने भी पढ़े लिखे हैं, जैसे उन्होंने बेटी ने कहा है, वो वाकई हैरानगी की बात है कि हम अथीस्ट होते हुए भी, हम जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को समझते हुए भी फिर वहां पहुंच जाते हैं कि यार कोई कर देगा हमारा काम, या कहीं धूप टिक्का वगैरह लगाने से, थाली बजाने से, और हम हमारे मोदी जी कहेंगे कि शाम को 6 बजे थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा, तो सब ने बजाई, चाहे वो आईएएस ऑफिसर थे चाहे वो छोटे थे। इसलिए हम मूढ़ बन चुके हैं, मूर्ख जैसे हो कहते हैं लोग भी बेचारे अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं, और हमें कहते भी है कि जैसे चाहो इनको चला लो, पैसे से चला लो। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं जो मेरे से तवक्को की गई या मेरे से चाहा गया कि मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बोलूं, जम्मू कश्मीर तो मैं आप सबको ये जहां तक मेरी जानकारी, मैं तकरीबन इस एजेंडे पर काम कर रहा हूं बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जम्मू कश्मीर हमारा सबसे बेहतर था। मैं तो ये कहूंगा कि जो पिछले साल 2019 में अमित शाह ने स्पीच करके ये कहा था कि जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है, वहां पढ़ाई नहीं है, वहां रिजर्वेशन नहीं है, ये सब झूठ बोला गया था। हमारा जम्मू कश्मीर 1952 से लैंड रिफॉर्म हुआ था और लैंड टू टिलर दी गई थी, किसी कंपनसेशन के बगैर जागीरदारी सिस्टम तोड़ा गया था, और जो आदमी खेती जोतता था उसको जमीन मिल गई थी बिना कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। हमारा स्कूल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जहाँ जम्मू कश्मीर में, के जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 5 अगस्त से पहले जिसको अब खत्म किया गया है, उससे उसमें हमें फ्री एजुकेशन केजी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें लाजमी थी, हमें पढ़ना जरूरी था, और खासकर बच्चियों को तो मैंडेटरी था 12वीं तक पढ़ना। इसी तरह और भी जो कानून थे हमारे सबसे अच्छे थे। हमारी जम्मू कश्मीर में कोई झुग्गी कल्चर नहीं था, कोई आदमी तरपाल की झुग्गी बनाकर नहीं रहता है। हाँ, अब हमारे जैसे आपने कहा कि हमारे भाई जो बाहर प्रवासी वहां से आते हैं काम करते हैं, उनको कुछ वैसे वो उनको भी पक्कियां बनाकर दे रहे हैं लोग, लेकिन वो जब नए नए आए तो वो थोड़ी देर उस तरीके से रहे हैं और काफी काम करते हैं, अभी भी आ रहे हैं। हालांकि अभी हमारा लखनपुर बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वहां पर आज भी बंदिश रखी गई है, जो लोग बाहर से जाते हैं वो तो उनको रोका जाता है, फिर टेस्ट करते हैं, फिर उनको कुछ को ऐसे ही तंग करते हैं पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, फिर पैसे लेते हैं उनसे, और ठेकेदार पैसे दे देता पूरी पूरी बस के 50,000 और 50 आदमी पार कर लेता है। ये अभी और गंद बढ़ गया हमारे जो ये अभी हमारा 5 अगस्त 2019 के बाद जो आया हमारे लिए मुसीबतें बढ़ गई है। हमारा जमीन का जो 1928 से हमारी एक कानून बना हुआ था कि जहां कोई आदमी बाहर का ना जमीन खरीद सकता है ना नौकरी ले सकता है, ये महाराजा हरि सिंह के समय में बना था, और वो आगे चला भी, वो 1952 के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन बनी, और उन्होंने भी उसे लागू कर दिया कि ये कर सकते हैं, ऐसा इनका आइन ऐसा है। लेकिन अब वो छीना गया है, और उसका जो खास मतलब जो मैं समझता हूँ, हो सकता मेरे से जो अलग सोचते हो, भिन्न सोचते हो, डाइवर्सिटी रखते हो, वो कुछ और कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ लगी है काम करते करते, मैं पिछले 55 साल से सक्रिय हूँ पॉलिटिक्स में, एज ए स्टूडेंट भी रहा, अनएम्प्लॉयड भी रहा, और एज ए आप भी कर रहा हूँ इस फ्रंट पर, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट है, उसके अंदर एक इतनी जिद्दबाजी है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, नहीं सुनना चाहती बाहर की प्रेस से या किसी से कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वो शब्द जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वो उनको गले से नीचे नहीं उतरता, और उसको वो डेमोग्राफी बदलने के लिए कई तरीके सोचे उन्होंने, पहले भी सोचते रहे, अब तो उनके पास हुकूमत है, उन्होंने हमारे सारे कानून तोड़ दिए, अब वो डोमिसाइल खत्म कर दिया, स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, और कह दिया कि कोई भी आदमी बगैर पीआरसी के, बगैर डोमिसाइल के आ सकता है, जमीन खरीद सकता है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि 10-15 लाख आदमी को अगर वो
कामयाब हो गए जहां लड़े में, तो उससे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और ये शब्द हिंदुस्तान में खत्म किया जाएगा या दुनिया में कि हिंदुस्तान के साथ एक मुस्लिम मजारिटी स्टेट रहती है। और उससे ये हो जाएगा कि उनको जो बार बार पूछा जाता है कि एक ही स्टेट है और आपका सेकुलरिज्म फेल हो रहा है, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर दाग लग रहा है, वो खत्म हो जाएगा। वो कहेंगे सब बराबर स्टेटें हैं हमारी, हम सबको बराबर का ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो उनके पास एक स्पेशल हमारे लिए बात सुनना पड़ती थी वो बात नहीं सुनना बंद हो जाएगी। बाकी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास सबसे बढ़िया दुनिया का केसर है, पंपोर में होता है वो केसर, वो दुनिया का सबसे बढ़िया केसर है। हमारे पास देवदार सबसे बढ़िया है, हमारे पास पांच दरिया बड़े हिमालय से निकलते हैं, पानी हम पर हमारे पास सबसे ज्यादा है, उस पर सैकड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट बन सकते हैं, 10-12 तो बने हुए हैं, अभी और कई बन सकते हैं। बिजली हम सप्लाई कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही लेकिन हम सप्लाई दे रहे हैं, NHPC हमारे से कर रही है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास और खेती का सारा बढ़िया जड़ी बूटियों का पहाड़ है हमारे पास, हमारे पास टूरिज्म की बहुत सी साइट्स है, बहुत सी, सिर्फ कश्मीर ही नहीं मगर जम्मू की जो पहाड़ियां हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, ये सब टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हमें वो करने के बजाय हमें अब पूरा हाथ बिल्कुल किया जा रहा है, हमारी जॉब नहीं दिए जा रहे हैं, काम नहीं, पिछले 6 साल से कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं चलाया उस तरीके से, लोगों को दिखाने को कहते हैं कि हमने बहुत पैसा दिया लेकिन वो पैसा आर्मी के पास भी जाता है। हमें जो आर्मी मिली है, पुलिस मिली है, 13-14 लाख जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस है अलग अलग किस्म की, के 5-10 किस्म की तो पैरा वो ही फोर्सेस है जो CRP, BSF, क्या नाम, SSB, ITBBP, होम गार्ड, ये सब मिलाकर और आर्मी रेगुलर। खजुरिया जी आपकी बात नहीं सुनाई पड़ रही है। खजुरिया जी शायद हमसे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, जगदीप छोकर जी, और वो ADR से जुड़े हुए हैं और चुनाव के में, मतलब ADR पता ही है कि, और इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में कई सारे उनके डॉक्यूमेंट्स पब्लिक आ चुके हैं, तो जगदीप जी आप अपनी थोड़ी सी बात अगर रखें हमारे सामने। जगदीप जी आपको अपनी माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा जी, शुक्रिया। देखिए मैं तो जुड़ा था सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी तक सुना है और जो मेरी अपनी समझ है, बिहार में गवर्नेंस नाम की चीज तो कोई रह नहीं गई है। जैसा कि पहले वक्ता बोल रहे थे कि शिक्षा का तो बहुत ही बुरा हाल है और स्वास्थ्य के बारे में भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं समझता हूं कि ये दो बातें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जब तक इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा तो तब तक कुछ किसी बात का फायदा नहीं होने वाला। और इनके ऊपर ध्यान देने के बारे में मुझे तो इस चुनाव में भी किसी भी पार्टी की तरफ से ये सुनने में नहीं आया कि वो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। तो ये जो कहा जा रहा है कि 10 लाख और 19 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां कहां से देंगे अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे और ठीक से पढ़े लिखे नहीं होंगे, और अगर जो लोग ठीक से पढ़े लिखे नहीं है उनको नौकरियां देंगे तो वो नौकरी में काम क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक बातें हैं, दो सबसे फंडामेंटल बातें हैं, पढ़ाई और सेहत, इन पे ध्यान सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मानव संसाधन
को विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ाई और सेहत का काम करना चाहिए। वो मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस होता है कि ये अभी मैसेज आया कि आरजेडी ने प्रॉमिस किया है कि पता नहीं 22% वो शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन मुझे इस तरह के वायदों पे विश्वास, आई एम सॉरी, नहीं है। 22% तो खर्च हो जाएगा, लेकिन कैसे खर्च होगा, किस पे खर्च होगा, तो बड़े इसमें थोड़ी सी ये मैनिफेस्टो वाली जो बात है इसमें डिटेल में बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी है कि आप अगर कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ये बताइए उसके लिए पैसा कहां से आएगा और फिर उसको कैसे आप पैसे को खर्च करेंगे। सिर्फ पैसा खर्च करना ही लक्ष्य नहीं है, लोगों की पढ़ाई को ठीक करना लक्ष्य होना चाहिए। तो और तो मैं इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद जगदीप जी। तो हमारे साथ मतलब हम लोग समय हमारा 7 बजे तक ही था, हम लोग 5 से 7 मिनट आगे हो चुके हैं। तो और अगर कोई सवाल ऐसे हैं जो आपके बीच नहीं आए इस दौरान पिछले 1 घंटे में और आप लाना चाहते हैं तो हम लोग 1-2 मिनट और चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस तरीके की चर्चाएं आगे भी जारी रखेंगे। तो अगर कोई सवाल, अंतिम सवाल कोई है किन्हीं साथी के बीच में, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल जो शुरू में पूछा गया था फेसबुक पे, वो थोड़ा मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ। जो सवाल था वो ये कि आशीष जी और कामायनी जी ने बाढ़ का मुद्दा उठाया है, लेकिन इसका वो क्या समाधान बता सकते हैं? धन्यवाद अमित भाई सवाल पूछने के लिए। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं इसमें, लेकिन जो हमारे संपर्क के जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पूरी समस्या को देखते हैं, लगातार कई वर्षों से उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आ रही है उस पर विमर्श करते आए हैं, उसमें डीके मिश्रा जी हैं और भी कई साथी हैं, उनका मानना है कि अभी जो हमें ये जो बाढ़ की विकट समस्या हो रही है वो नदियों को बांधने से, और नदियों को अगर बहने दिया जाए उनके अपने ग्रेडियंट के अनुसार, और हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, अर्बन सेटलमेंट्स जो भी हो रहे हैं अनप्लान्ड तरीके से, अगर वो अड़चन ना बने तो बाढ़ की समस्या जो है वो कम हो, ये उनका मानना है। तो एक ये है, मैं इस राय से वाकिफ हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि हमने अब निकासी के लिए कमीशन भी बनानी चाहिए कि कैसे निकासी पानी का, उस पर एक ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो चीज है, खासकर उत्तर बिहार में, हम लोग अररिया में हैं और हर साल अररिया का कुछ भाग बाढ़ प्रभावित रहता है, बगल में कोसी है यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर, और कोसी का भी बाढ़ बहुत भयानक होता है, आप लोग देख चुके हैं। तो कोसी में भी दोनों तरफ से उसे बांधा गया है और सिल्टेशन के चलते उसका जो सतह है कोसी का वो ऊपर आते जाता है, और जो तटबंध है वो इसलिए नाकामयाब साबित होते हैं। तो ये तटबंध का जो पूरा मसला है वो करप्शन से भी जुड़ा हुआ है, वो एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म विजन से जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि फरक्का डैम को डिमोलिश कर देना चाहिए, डिकमीशन करना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जब बड़े तटबंध और इस तरह के जो अवरोध हैं, जो नदी को अवरोध करते हैं, वो जब खत्म किए जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि बिहार में भी एक प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, हमें नेपाल के साथ संधि करके, और एक ये बिहार सरकार बात नहीं कर सकती है, इसमें भारत सरकार को बीच में आना पड़ेगा, नेपाल के साथ इंटीग्रेटेड रिवर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट को हमें देखना पड़ेगा।
और तभी हम ये जो बाढ़ की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण भी बदल रहा है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। 2017 में अररिया में बहुत भीषण बाढ़ आई थी जो फ्लैश फ्लड की वजह से हुई है, लेकिन इससे बचने के उपाय, एक तरह से इसको कैसे इसमें हमें जान माल की हानि नहीं हो, उसके उपाय हैं और वो किए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो करना ही चाहिए। तो इसके साथ हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे और सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि इस तरीके की चर्चाएं हम लोग आगे जारी रखेंगे। खास करके धन्यवाद करना चाहेंगे ईश्वरदास खजुरिया जी का, जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जो आशीष जी और कमायनी जी जुड़े और उन्होंने आज ज़मीनी हकीकत हम लोगों को बताई, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस पहल को जारी रखा है, और शायद एक बार हम लोग आगे चर्चा करेंगे अमेरिका के चुनाव पे, तो वहाँ पे ट्रंप और बाइडेन के बीच काफ़ी अभी बड़ा इशू चल रहा है, और उसका भारत पर क्या असर पड़ता है और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है, वो हम लोग सुनने के लिए यहाँ पे फिर से आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।